भैया खा रहा है अकेले अकेले, अपन तो पूछ ही ना रहे, पूछ लो आराम से थोड़ा थोड़ा। भैया को प्रमोशन को पैसा अपन खाए खाए ना खाए यार। आप मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं बोल ब्लॉग में आने ही नहीं है। अरे अच्छा आना नहीं है, मतलब फुटेज पूरी ले रहे हो, कह रहे आना नहीं है। नहीं हम ना जाने, तुम ही खा रहे हैं सब्जी रोटी, हम तो कजर का खा रहे। तो जय राम जी की दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आपका स्वागत है आपके अपने न्यू ब्लॉग में। तो भाई ब्लॉग हो रहा है बहुत लेट स्टार्ट, होगा भी रात में स्टार्ट हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, शाम के 7 बज रहे हैं। और अभी अपन मिलवाने वाले हैं आशु भैया से फिर से। तो आशु भैया का तो सभी जानते होंगे, उदयपुरा वाले, मिलाने वाले आशु भैया से। आशु भैया वहाँ पे हैं दुकान पे, चलते हैं आशु भैया के पास। जो भी नया है भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, पहले चलते हैं आशु भैया के पास, है ना। आशु भैया से तो बाद में मिले, पहले मिले अपने तुम्हें चला रहे थे का? आप मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं बोल ब्लॉग में आने ही नहीं है। अरे अच्छा आना नहीं है, मतलब फुटेज पूरी ले रहे हो, कह रहे आने नहीं है। एडिटिंग आपको कुछ कहना? नहीं कुछ नहीं कहना सर। सर बिग फैन, सर सर बिग फैन, जय राम जी की दोस्तों। कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पे आए कल्लू भैया की दुकान पे? क्या खाने आए सर आप? क्या खाने आए आप? हम आए हैं दोना बीनने आए। दोना अरे नहीं ले जाएंगे, फिर धो के लाएंगे भैया, फिर सब ऐसे फिर उसे दूसरे को भेज देंगे, वो अच्छा। नहीं करेंगे, नहीं तो दुकान पे थोड़ी कुछ है। दोना का कर रहे हो, उन्हें क्या खाने आए? उससे पैसे कमाते हैं यार। कुछ खाने तो आए हो? कुछ खाने तो आए हो? नहीं नहीं खाने कहाँ आए, नहीं यहाँ नहीं दोने भी नहीं आते दोस्तों, जब भी देखो रील में पैसे वैसे कहाँ आते हैं। अरे प्रमोशन डाल रहा है, 10,000 रुपया के प्रमोशन। ये देखो नाम देखो दोस्तों, देखो 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 देखो, ये अमीरी 12-1500 ये अमीरी का जाल, 12-1500 कम होते हैं, आदमी 300 की नहीं पहन पा रहा हूँ। हाँ सही बात है, और 300 ये 300 की नहीं पहन, 300 की नहीं पहन पा रहे थे, 1200 की। तुम समझो, एक बात बताओ, देखो 450 की इधर देखो, क्या खाल देखो, और ठीक है जो देखो, जो चमड़ा चमड़ा से बेल्ट बना था ना, जो भेज जाता जी, मैंने ऐसा केशव का करता है, ऐसा चमड़े की बेल्टों की बहुत डिमांड है, भैया खा रहा है अकेले अकेले, अपन तो पूछ ही ना रहे, पूछ लो आराम से थोड़ा थोड़ा। ये भी अकेले यहाँ सही बैठे हैं, ये भी सही हैं। ईमानदारी बात देखो, योगेश ने बनाई 3 सेट, 10 रुपया, सच्चाई तो मुझे कैसे पता, तो 10-10-20 रुपये एक भेल है, 2 गजे 10 रुपये एक जने खेले फुल, हम रिटर्न है फिर जेके 10 रुपये, 10 रुपये फुल की, 2 जने 5-5, 3 सेटिंग बना भी खुशी में, और 30 रुपये जी का सपने में बनी, कब बनी? अपन ब्रेकअप हुआ है? नहीं नहीं तो बनी का एक को नाम तो सासा कछु है, नहीं है सुना, क्यों कितने हुई है भगवान आज बेचारी, एक है एक तो समाज की तुम्हारी, एक समाज की, समाज की मिली ना रही, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, अरे समाज की एक भी ना मिल रही। दो ग्राम और बता दो कछु भाई, हाँ सोच कछु भाई बोल दो, कल्लू की भाई, और भाई तो बूढ़ी बूढ़ी छे भाई है दुकान वाले। नमस्कार दोस्तों, जो जादू को बड़ा भाई खा लो यार, कहाँ नहीं खा रहा था, भूखे कहाँ मर रहा है, खा लो ए डूब रहो और नई वाली फली खा लोगे, हम भी खा ले यार। अच्छा हमरी वीडियो सागर में देख ली, की बनी है ना ठेला, वाह यार क्या ले अपने सागर में बनी है, सागर में थे जब देखी थी वीडियो, तो समझ नहीं पा रहा है, ब्लॉग ही बन रहा हूँ, ब्लॉग ही बन रहा हूँ जिखड़े भैया जिखड़े, योगेश कर रहे हैं ये पागलपन, दही की फुल्की खा रहे हैं, बनवा रहे हैं भैया पागलपन जबरदस्ती, दही की फुल्की तुमने खाई कब? खाई कब? नहीं हम ना जाने, तुम्हें ही खा रहे हैं सब्जी रोटी, हम तो कजर का खा रहे हैं, हम और जब पब्लिक हमारे तो भैया भैंस हम वो आते हैं, मैं ही वो देख
देखिए सर किस तरीके से मतलब दी जाती है। एक नंबर कुल्फी नहीं खाऊंगा तुम्हारी भैया को प्रमोशन को पैसा अपन खाए खाए ना खाए यार। ये सब ले लो तुम चल जाओ बनाओ जनक सर। भैया भैया लोग चले अब खाना पीना खिला के बढ़िया। हेलो एवरीवन, जयराम जी। जयराम जी कैसे आप? बढ़िया। जयराम जी की दोस्तों। हाँ जी हमारा। और केशव केशव राधे 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 राधे। सो हेलो एवरीवन राधे राधे ऐसे कछु है नहीं। सो हेलो एवरीवन राधे राधे आप लोग का स्वागत है। हेलो ये यही तो सीखना है अपन को सबको अलग अलग है। चलो ठीक है चलो ठीक है मिलते हैं फ्रेंड। चालू नहीं हो रहा ठीक भाई जा स्वयं अभी अभी यमराज चला रहा है यमराज गाड़ी चला रहा है। जाओ चलो भैया ये लोग तो गए अपन भी चलते हैं। सब आ चुका हूँ मैं घर और आज तो मैं सोच रहा था भाई ब्लॉग बनेगा या नहीं बनेगा लेकिन भैया लोग मिल गए तो भैया ने बनवा दिया ब्लॉग। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आशु भैया। और आपने देखा होगा ब्लॉग में कि पिंकी आई थी और सॉरी सॉरी बोल रही थी सॉरी सर आपको कन्फ्यूज़न होगा सॉरी क्यों बोल रही है। वो सॉरी इसलिए बोल रही है आज उसका बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे पिंकी पहले तो आज उसका बर्थडे था उससे बात हुई थी कि वो आज पार्टी दे रही है तो आज पार्टी देती वो बोल रही थी सर मैं आपको 1 बजे के बाद मैसेज कर दूंगी पार्टी आप ले लेना। लेकिन हुआ क्या कि मैं वेटिंग करता रहा और पिंकी आई नहीं तो अपन हो गए गुस्सा भैया क्यों क्योंकि अपन ने भी अपने बर्थडे की पार्टी दी तो अपन को भी पार्टी चाहिए ना। तो उसने मैसेज नहीं किया और मैं वहाँ से निकल के जा रहा था तो मुझे रास्ते पर चौपाटी पर मिली वो तो मैंने देखा कि यार पिंकी पार्टी कर रही हो मुझे पता है नहीं तो मैं उस बात से गुस्सा हो गया। मैं फुल्की खा रहा था भाई आ जाती है पिंकी ये बोलती है सर सॉरी सर मैं आपको पार्टी नहीं दे पाई। लेकिन अब वो देने वाली पार्टी 1-2 दिन में जब भी पार्टी देगी तो वो ब्लॉग बनाएंगे अपन तो इस बात से मैं उससे गुस्सा हूँ पिंकी से इसलिए वो सॉरी बोल रही थी। आप कन्फ्यूज़ में ना रहें इसलिए मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा आपको तो जो भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जयराम जी की।